नमस्कार, मैं सोनिया आपके अपने चैनल खाना दिल से में आपका स्वागत करती हूँ। मोमोज का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, और मार्केट का बना अनहेल्दी और अनहाइजीनिक चाइनीज हम अपनी फैमिली को कैसे खिला दें, वो भी मैदे का बना हुआ। इसलिए आज हम बनाएंगे हेल्दी मोमोज, आटे के बने हुए, साथ में वेजिटेबल सूप के साथ। ये इंडियन तरीके से बना हुआ चाइनीज है जो खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं वेज मोमोज दिल से। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम पालक, 100 ग्राम बीन्स जिसको इस तरह से हमने मोटा मोटा काट लिया है, थोड़े से मटर के दाने, थोड़ा सा हरा प्याज, 5 लहसुन की कलियाँ, 3 टमाटर और एक मैगी का पैकेट। सबसे पहले हमने एक बर्तन में 5 गिलास पानी लिया है। अब हम इसके अंदर पालक डालेंगे। हमने टमाटर को इस तरह से मोटे मोटे पीसेस काट लिए हैं। लहसुन की कलियां ऐसे साबुत डालेंगे, हरे प्याज, बीन्स, मटर हम बाद में डालेंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे। अब कम से कम 2 सीटी आएंगी तब हम गैस बंद करेंगे। तब तक हम मोमोज की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। अब हम मोमोज बनाएंगे। मोमोज बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 1/2 किलो पत्ता गोभी जिसको हमने पहले से ही कद्दूकस कर लिया है, 2 प्याज जिसको बारीक बारीक काट लिया है, 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हरा प्याज, 2 शिमला मिर्च जिसको बारीक बारीक काट लिया है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और रिफाइंड ऑयल। अब हम अपनी सारी वेजिटेबल को अच्छे से पका लेंगे, और जिससे कि जब स्टफिंग बनके तैयार होगी मोमोज के अंदर तो ये मुंह में कचर कचर नहीं करेगी। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। गैस को हम तेज कर देंगे। शिमला मिर्च, हरी प्याज, प्याज, अब इनको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम, काली मिर्च। अब इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे जिससे कि अच्छे से और गल जाए। जब तक हमारी स्टफिंग तैयार होती है हम मोमोज के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। हमने लिए यहाँ पे गेहूं का आटा, उसमें डाला है नमक। अब हम इसमें थोड़ा बीच में ऐसे घेरा बना के इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। दूध हमें सिर्फ 1 कप लेना है। दूध से जब हमारे मोमोज बनेंगे तो वो आटा बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा रहेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार करेंगे। अब हम सूप बनाने के लिए हम अपने कुकर को खोलेंगे। देखिए यहाँ पे सब्जियां अच्छे से बॉइल्ड हो गई हैं। हम अब इसकी हेल्प से सब्जियों को मैश कर देंगे अच्छे से, जिससे कि सब्जियां इसमें मैश हो जाए और सारा फ्लेवर हमारे सूप में आ जाएगा। हमने यहाँ पे सूप को अच्छे से छान लिया है, सारा अरक निकल गया है सब्जियों का इसके अंदर, और हम इसको अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर से सारे वेजिटेबल का जो अर्क है वो निकल जाएगा, और फिर हम सूप तैयार करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब हमने सारी वेजिटेबल को बॉइल्ड करके हमने उनको छान के यहाँ उसका पानी ले लिया है। अब हम इसके अंदर मैंने यहाँ पे थोड़े से प्याज, हरे प्याज थे, पालक और मटर को बॉइल्ड कर लिया था मैंने, इनमें से थोड़े से बचा लिए थे। अब हम ये सूप बनाएंगे तो उसके ऊपर से जब आएंगे मुंह में तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। हम इसके अंदर अब ये डालेंगे। और मैंने यहाँ पे मैगी ली है, मैगी को हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे। इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार अपने।
अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे जिससे मैगी भी अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगी हमारी और फिर हमारा सूप तैयार होगा। जब तक हम मोमोज बनाएंगे, हमने यहाँ पे स्टीम के लिए पानी चढ़ा दिया। देखिए हमने यहाँ पे आटा गूंथ लिया था और हमारा आटा यहाँ पे ना ज्यादा हार्ड है और ना ज्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। हम इसकी बहुत छोटी छोटी, बहुत मोटी नहीं, हम देखिए कितनी छोटी छोटी सी, सिर्फ 1 इंच के करीब की लोई बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा आटा लगा के हम एक छोटी सी रोटी बेलेंगे। हम स्टफिंग के मसाले में थोड़ा सा हरा धनिया मिला लेते हैं जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। ऐसे करके छोटे छोटे से हम सारे मोमोज तैयार करेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे और अब सारे मोमोज बना बना के हम इसके ऊपर सजाएंगे और उस ऊपर से ढक देंगे। आज मेरी बेटी भी आई है मेरे साथ मोमोज बनाने के। बहुत अच्छे मोमोज बना लेती है, देखिए कितने अच्छे से शेप देगी बनाकर। मैं लोई बेलती हूँ और ये मेरे से फटाफट सारे मोमोज की शेप तैयार करती है। देखना कितने छोटे छोटे हाथों से कितने अच्छे अच्छे शेप दे देगी। देखिए कितना अच्छा सब भरती है। कितना अच्छा मोमोज बनाया। अभी सारे मोमोज इसी तरह मेरे से फटाफट बनवाएगी। मोमोज की तीखी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 से 12 सूखी लाल मिर्च, जिसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और वो अब भीग के सॉफ्ट हो गई है। 2 टमाटर जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 5 से 7 लहसुन की कलियां हैं और 1 प्याज है छोटा सा, अमचूर पाउडर। सबसे पहले हम जो मिर्च है उसको पानी सहित हम अपने मिक्सर के जार में डालेंगे। इसमें टमाटर, लहसुन और प्याज डालेंगे। हम इसके अंदर अमचूर पाउडर, नमक डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तीखी और कितनी अच्छी चटनी बनकर यहाँ पर तैयार है हमारी। देखिए जब तक मैंने यहाँ पे चटनी तैयार करी, मेरी बेटी ने कितने सारे मोमोज बना के तैयार कर दिए हैं यहाँ पर। अब हम इनको इस तरह से हल्का सब पलट देंगे। देखिए इसे बनाना बहुत आसान है, मेरी बेटी ने बना दिए इसको तो सारे। आपने देखा कितने आसान है मोमोज बनाना। इसे बच्चे खुश होकर बनवाते भी हैं और खाते भी हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि जब अपने फैमिली को कुछ अच्छा और हेल्दी खिलाते हैं। देखिए कितने आसानी से और कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और अपने अनुभव मुझसे शेयर करना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें।